नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। महुआ मोइत्रा की संसद से सदस्यता चली गई, रमेश विधूड़ी पर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल कुछ वामपंथी पत्रकार, कुछ वामपंथी पोर्टल्स और विपक्षी दलों के गोद में खेलने वाले पत्रकार पूछ रहे हैं। सवाल जायज भी है कि विधूड़ी पर कार्रवाई कब होगी और क्यों होगी, क्यों नहीं हो रही है। मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले दानिश अली पर भी कार्रवाई हो गई है और दानिश अली को संसद से तो निलंबित नहीं किया गया, लेकिन जिस विधूड़ी और दानिश अली के बीच संसद में विवाद हुआ था उस दानिश अली पर पहले कार्रवाई होगी और उस पर कार्रवाई की है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि विधूड़ी से पंगा लेना दानिश अली को भारी पड़ गया और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी से उनकी विदाई हुई है? इस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मामला क्या था ये समझ लीजिए, अगर मामला आपको नहीं पता है तो। मामला था चंद्रयान के दौरान लोकसभा के पिछले सत्र में, तारीख थी सितंबर का महीना था 2023 में, तब चंद्रयान की सफलता पर संसद में चर्चा हो रही थी और उसी दौरान दानिश अली और सांसद बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के बीच संसद में गर्मागर्म बहस हो गई। उस दौरान रमेश विधूड़ी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था जिसे आपत्तिजनक माना गया, जिसे सांप्रदायिक माना गया और बाद में इस मामले पर विपक्षी सांसदों ने इतना हंगामा किया कि राजनाथ सिंह ने सदन में दूसरे दिन कहा कि अगर रमेश विधूड़ी ने कुछ गलत कहा है तो उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। मामला यह था, रमेश विधूड़ी ने बाहर निकलकर आरोप लगाया कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसी के जवाब में मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि दानिश अली ने तब इससे इनकार किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। दानिश अली रोए, मीडिया में खूब हंगामा हुआ और उसके बाद राहुल गांधी दानिश अली के आंसू पहुंचने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और दानिश अली के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और दानिश अली कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर एक तरह से काम करने लगे। ये आरोप बहुजन समाज पार्टी का है और पार्टी की गतिविधियों से उलट, पार्टी की नीतियों से उलट, पार्टी के सिद्धांतों से उलट और पार्टी की विचारधारा से उलट दानिश अली काम करने लगे और अपने निजी एजेंडे पर कांग्रेस को लाभान्वित करने वाले मुद्दों पर कांग्रेस का साथ देते नजर आए। इसलिए दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, ये बहुजन समाज पार्टी का आरोप है। लेकिन क्या असल में बात यही है? दरअसल दानिश अली कौन है पहले ये जान लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। दानिश अली 2019 में ही बहुजन समाज पार्टी में आए थे, उससे पहले उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल सेक्युलर, जो पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पार्टी है, उससे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और वो जनता दल सेक्युलर के सक्रिय सदस्य रहे। लेकिन 2018 का जब विधानसभा चुनाव कर्नाटक में हो रहा था, उस चुनाव में दानिश अली बहुत सक्रिय भूमिका में थे और 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मायावती की और जनता दल सेक्युलर देवगौड़ा की दोनों के बीच गठबंधन हुआ था और इस गठबंधन को करने में अहम भूमिका दानिश अली ने निभाई थी। जब 2018 के चुनाव संपन्न हुए तो उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव आए तो जो पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे उनके कहने पर ही बहन मायावती ने दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया और अमरोहा से उनको टिकट दिया। 68 दिनों के भीतर वो पार्टी में आए और उसके बाद वो सांसद भी बन गए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार संसद में जब भी दानिश अली बोलते तो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ ही बोले, चाहे तीन तलाक का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 हटने का मुद्दा हो। उन्होंने अपनी राय संसद में रखी लेकिन उनकी राय से पार्टी की राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी, अलग थी और उनकी राय कभी मिली नहीं। इस पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से उन्हें कई बार अल्टीमेटम भी दिए गए, बताया भी गया कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, ये पार्टी की राय नहीं है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मायावती और बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत करीबी है, ये राजनीतिक विश्लेषकों और राजनीतिक पंडितों को बताने की ज़रूरत नहीं है। 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, उसके बाद से मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर उतनी आक्रामक नहीं रहती है जितनी पहले रहा करती थी और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली भूमिका में ही अपनी राजनीति को तब से चला रही है। लेकिन दानिश अली
उस विचारधारा के खिलाफ जाकर पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। तो इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद से उन्होंने पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाकर पंगा लिया और इसीलिए बहन मायावती ने, नहीं तो आप देखिए कि 370 के वक्त भी उन्होंने पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बयान दिया था, 3 तलाक के वक्त भी सदन में पार्टी की विचारधारा के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया, तब बहुजन समाज पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं क्यों नहीं की, और अचानक अब इस मामले पर, जबकि अभी कोई बहुत बड़ा मामला भी नहीं था, उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया सदन में, सिर्फ वो राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद महुआ मोइत्रा वाले केस में का आधार बनाकर कि महुआ मोइत्रा वाले केस में पार्टी की विचारधारा और पार्टी की जो नीति है उसके खिलाफ जाकर उन्होंने काम किया, इसलिए हमने इन पर कार्रवाई की। तो इसलिए कार्रवाई का वक्त और कार्रवाई के इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिदुड़ी साहब से पंगा लेना जो है इनको भारी पड़ गया, क्योंकि मायावती की भारतीय जनता पार्टी से करीबी है जाहिर है और कहीं ना कहीं अंदर से इन्हें आदेशित हुआ है कि भाई ये जो सांसद है जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं इन पर आपको लगाम कसनी चाहिए, और इसलिए मायावती ने इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि दानिश अली साहब अपने तीखी ज़ुबान के लिए बहुत जाने जाते हैं, तल्ख लहजे के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कई बार सदन में ऐसे बयान दिए हैं। हालांकि जिस रमेश बिधूड़ी पर आरोप लग रहा है उनका क्या हुआ, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दानिश अली ने जब उनके खिलाफ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने भी कई विवादित बयान दिए, उन्होंने कहा कि अगर मैं उसी वक्त अपना जूता निकाल कर उन्हें मार देता, तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में ये बयान दिया था, तो ये भी विवादित बयान है। तो विवादित बयान दोनों ओर से हुए, लेकिन रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो उसका कारण ये है कि अभी 2 दिन पहले ही 7 दिसंबर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की एक बैठक हुई। इस मामले पर आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा की एक विशेषाधिकार समिति बनाई गई थी जिसके सुनील कुमार सिंह जो है बीजेपी के सांसद उनको अध्यक्ष बनाया गया है इस समिति का, और उस समिति पर फैसला छोड़ा गया है कि क्या रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की जाए न की जाए, उसकी फैक्ट फाइंडिंग्स वो कर रहे हैं, किस अवस्था में उन्होंने बयान दिया था, उसके पीछे की उनकी मंशा क्या थी। तो जो सुनील कुमार सिंह की जो अध्यक्षता वाली कमेटी है वो उस पर 2 दिन पहले उनके एक मीटिंग हुई उस बैठक की, और उस मीटिंग में ये कहा गया, उस बैठक में ये कहा गया कि रमेश बिधूड़ी ने अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली है। ये जानकारी अंदर से आ रही कि उन्होंने कहा कि मैं जो भी मैंने बयान दिया है उस पर मैं खेद प्रकट करता हूँ और मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने अपने बयान के लिए संसदीय समिति से माफ़ी मांग ली है। तो अब ये कहा जा रहा है कि मामला इस माफ़ी के बाद रफा दफा कर दिया जाएगा और रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई हुई, बिधूड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो उनको समझना पड़ेगा कि महुआ मोइत्रा ने सवाल के जवाब में संसदीय समिति से सवाल किए, जवाब देने के बजाय, अपने आरोपों पर सफाई देने के बजाय या अपने किए के लिए माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने सवाल पर सवाल किए और इसीलिए संसदीय समिति ने उनके ऊपर एक्शन लिया, जबकि रमेश बिधूड़ी ने संसदीय समिति के सामने अपने किए पर पछतावा जाहिर किया और उन्होंने माफ़ी मांग ली। इसलिए कहा जा रहा है कि इस मामले को अब रफा दफा किया जा सकता है और इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो विक्टिम थे इस केस में, जिनको विक्टिम बनाया गया, दानिश अली, उन पर ज़रूर कार्रवाई हुई है और उन पर कार्रवाई मायावती ने की है, और क्यों की है उसके वजह पीछे की वजह मैंने बताने की आपको कोशिश की। अगर आप भी इस राय से इत्तफाक रखते हो, अगर आपको लगता हो कि हाँ ऐसा ही हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।